खबर दी थी आईटीडीसी को लेकर, सरकारी सूत्रों से हवाले से खबर आई थी कि दिल्ली के द अशोका होटल को लीज पर देने के लिए जो ड्राफ्ट नोट है वो तैयार हो चुका है। इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन जो है वो आखिरी चरण पे है और आईटीडीसी के द अशोका होटल को 60 साल के लिए लीज पे दिया जाएगा। लीज और एसेट मोनेटाइजेशन से करीब 7,000 करोड़ के आसपास जुटाने की योजना है। इसके अलावा कैंपटा सनमर के लिए भी हमने आपको अच्छी खबर दी थी कि इस कंपनी की एक सब्सिडरी है, उसके लिए अच्छी खबर है कि चीन और कोरिया से अनट्रीटेड क्यूल्ड सिलिका जो है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश कर दी गई है और डीजीटीआर ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। वहीं स्पाइसजेट, इसको लेकर खबर आई कि शेयरधारकों ने कार्गो बिजनेस ट्रांसफर करने के लिए मंजूरी दे दी है और क्यूआईपी के जरिए करीब 2,500 करोड़ जुटाने के लिए भी मंजूरी मिल चुकी है इस कंपनी को। एलएनटी फिर से इस कंपनी को ऑर्डर मिला है, एलएनटी हाइड्रोजन को ऑर्डर मिला है, गेल और एयर प्रोडक्ट मिडिल ईस्ट से इस कंपनी को करीब 1,000 से 2,500 करोड़ के बीच का ऑर्डर मिला है। HDFC, इन्होंने अपनी ब्याज दरों में कटौती की है, अब जो होम लोन है वो 6.7% का आपको मिलेगा। क्लीन साइंसेस पुणे में जमीन लीज पर लेने के लिए इस कंपनी ने करार किया है। BLS इंटरनेशनल, खबर आई है कि SBI के नेशनल बिजनेस करस्पॉन्डेंट के तौर पर इस कंपनी को चुना गया है। इजी ट्रिप प्लानर्स, इस कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दी थी कुछ गलत संदेश मामले में और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस कंपनी की याचिका जो है वो मान ली है। साइंट TM फोरम में इस कंपनी को शामिल किया गया है। दरअसल फोरम के जरिए ग्लोबल कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स जो है उसके साथ ये कंपनी जुड़ेगी। लिंकन फार्मा गुजरात में प्लांट का अधिग्रहण इस कंपनी ने किया है। बेसिकली स्किन, गले और कान के इंफेक्शन के दवा जो है वो यहाँ पे बनाएंगे। ये टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स की जो प्राइस है वो ये कंपनी बढ़ाने वाली है, 1 अक्टूबर से बढ़ाएंगे, 2% के आसपास कीमतें बढ़ेंगी। MTNL और NBCC, क्योंकि BSNL और MTNL की जो चुनिंदा रियल एस्टेट के एसेट्स है उनको NBCC डेवलप करेगी, इस तरह की खबरें निकल के आई है। न्यूज वायर के हवाले से खबर आई है, 1,000 करोड़ के आसपास के 10 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है जिनके मोनेटाइजेशन जो है वो भी अंतिम फैसला उस पर लिया जाएगा, अंतिम चरण पे है। HCL टेक एक कंपनी के साथ इन्होंने करार किया है, SME के लिए बिल्डिंग सोल्यूशन बनाने के लिए करार जो है वो इस कंपनी ने किया है। इसके अलावा पावर सेक्टर की खबर आई है न्यूज वायर से कि सभी रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स जो है उनको एक साथ करने पर सरकार विचार कर रही है। लॉक डील हुई है SBI कार्ड्स में 3.44% हिस्से की। HAL, यहाँ पे शेयर, यहाँ पे जो बोर्ड बैठक होने वाली थी उसमें शेयर विभाजन पे जो प्रस्ताव है उसको फिलहाल टाल दिया गया है। और सबसे आखिरी में BSE लिमिटेड, जो रजिस्टर्ड निवेशक है उनकी संख्या अब 8 करोड़ पहुंच गई है। 2021 में करीब 2 करोड़ नए निवेशक जुड़े हैं।